श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आपदा की घड़ी में गरीब मजदूरों की एवन टीवी ने सुध ली। एवन टीवी की टीम गरीब मजदूरों के पास पहुंची तो प्रशासन के दांव की पोल खुल गई। आपको बता दें कि सड़क पर रह रहे मजदूरों ने यह बताया कि लॉकडाउन के 15 दिन बाद भी उन्हें कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके चलते वो आसपास के लोगों से मांगकर ही टाइम काट रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो गरीब लोगों को जो है राशन पहुंचाने के अनेक दावे किए जा रहे हैं, अनूपगढ़ के अंदर जो है गरीबों की क्या स्थिति है यह जानने के लिए एवन टीवी की टीम आज जो ग्रामीण क्षेत्र में निकली है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग आइए इनसे जानते हैं। सर, आपको कोई राशन वगैरह मिला? नहीं जी, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पिछले जो 13-14 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, अभी तक कोई राशन नहीं? ना, हमें पानी का डब्बा भी नहीं मिला। राशन तो कहाँ, पानी का डब्बा तक नहीं मिला ना। तो क्या काम क्या करते हैं आप? काम हम इधर ये लकड़ी है थोड़ी बहुत, ये बिक्री करके जो 10 रुपए की हो जाती है, तो नहीं तो कभी किसी से दूध मांग के चाय बनाते, कभी कोई 5 रुपए दे देता हम चाय बनाते। तो रहते कहाँ पे आप? इधर ही रहते हैं। और वैसे हाँ, ये झोपड़ी 16 साल से हमारी, 3 मकान थे जो पुल वालों ने ढा दिए दोबारा बनाने का, ना हमारा हिम्मत रही ना हम बना। तो ताया जी एक बात पूछे आऊंगा, राजस्थान सरकार है जो अनेक दावे कर रही है, प्रशासन भी अनेक दावे कर रहा है, किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। हाँ। तो आज इसके बारे में क्या कहेंगे आप? झूठा, बिल्कुल झूठा। करते इतना भी पूरा नहीं करते, ये मैं बताऊं। तो पिछले कई दिनों से जब से लॉकडाउन है, आपके पास कोई किसी तरह का कोई भोजन का पैकेट जाके राशन कार्ड नहीं? कोई पैकेट ना, कोई शाबाशी ना कोई कुछ। आपको मैंने देखा तो तब हमने आपको रोका कि हमारे को बताओ आप कैसे फिर रहे हो इधर। हमारे साथ कुछ और भी मजदूर आई है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आपको कोई राशन मिला? नहीं बाबू जी, हमको कुछ राशन नहीं मिला आज तक, कोई राशन नहीं मिला। तो क्या काम करते हो, कहाँ पे करते हो? पठेड़ का काम करते हैं। जो मजदूर है ये झोपड़ी के नीचे बैठ के इस गर्मी के अंदर अपना समय पास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कह रहे हैं कि कोई जो है राशन किट या कोई भोजन के जो पैकेट है इन तक नहीं पहुंचे हैं। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, एवन टीवी।